हे गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे टॉप फोर बेस्ट पावरफुल 5G स्मार्टफोन्स के बारे में। अंडर रुपीज 13,000 13,000 के नीचे आने वाले सबसे पावरफुल स्मार्टफोन्स बताऊंगा। चारों स्मार्टफोन्स के अंदर जबरदस्त परफॉर्मेंस मिलेगा और इतना ही नहीं जो बाकी फीचर्स हैं वो भी आपको टॉप नॉच मिलते हैं, लाइक 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट, 50MP कैमरा विद 2K वीडियो रिकॉर्डिंग, 6000mAh की बैटरी विद फास्ट चार्जिंग। तो गाइस अगर आपको 13,000 के नीचे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पावरफुल 5G स्मार्टफोन परचेज करना है या फिर बाय करने के लिए प्लान कर रहे हो तो वीडियो के साथ बने रहिए, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। बट गाइस यार आप एक छोटा सा काम कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज़ कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं पहले स्मार्टफोन की जो मेरी लिस्ट में आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी F14 5G। अगर आप सैमसंग के लवर्स हो या फिर सैमसंग का स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हो तो ये सैमसंग का बेस्ट 5G फोन है, चेकआउट कर सकते हो। 4GB प्लस 128GB बेस वेरिएंट से आता है। इस फोन के अंदर सैमसंग के घर का एक्जिनोस 1330 5G चिपसेट ऑफर किया गया है, जो कि ओनली 5nm फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। ये आपको सिंगल चार्ज पर लंबा बैटरी बैकअप देगा और इसको आप कंपेयर कर सकते हो स्नैपड्रैगन 695 से, लगभग बराबर परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस निकाल के देता है। 4 लाख के करीबन स्कोर निकालता है। गेमिंग आप प्राइस पॉइंट के हिसाब से जबरदस्त कर सकते हो। इसमें एंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जो कि UI 5.1 कोर एडिशन पर बेस्ड है। अच्छी बात यह है कि इसमें 13 5G बैंड का सपोर्ट भी मिलता है, यानी कि आप फ्यूचर में इजीली 5G को एंजॉय कर सकते हो। अगर दोस्तों बाकी फीचर्स की बात करूं तो इसमें 6.6 इंच का फुल HD प्लस PLS डिस्प्ले दिया गया है। बेसिकली IPS के कंपेयर ये स्लाटली थोड़ा सा बेटर होता है। इसमें ड्रॉप नॉच मिलेगा, 90Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है, तो डिस्प्ले आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन दिया गया है विद ग्लॉसी फिनिश। इसके अलावा 12 कैमरास मिलेंगे, प्राइमरी लेंस 50MP दिया गया है, साथ में 2K माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 13MP की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके रियर और फ्रंट दोनों कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी अच्छी खासी मिल जाएगी। इस फोन में 6000mAh की पावरफुल बैटरी दी गई है, जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट चार्जर आपको बॉक्स में नहीं मिलेगा। बाकी इसमें 3.5mm जैक, सिंगल स्पीकर वो भी डॉल्बी एटमॉस की तरफ से, और LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप भी मिलता है। तो ये 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी प्राइस है फिलहाल 14,499। बट अगर आप कार्ड अप्लाई करते हो तो ये फोन आपको सिर्फ 13,000 रुपए में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स Hot 20 5G। दोस्तों इन्फिनिक्स ने इस फोन के अंदर एक पावरफुल 5G प्रोसेसर यूज किया है। गेमिंग आपको ये एकदम तगड़ी कराएगा, नो डाउट। 4GB प्लस 64GB बेस वेरिएंट से आता है। इसके अंदर MediaTek Dimensity 810 5G चिपसेट ऑफर किया गया है, जो कि 6nm फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, काफी पावर एफिशिएंट है। 3.5 लाख के करीबन स्कोर निकालता है। गेमिंग आपको ये तगड़ी कराएगा। इसमें 12 5G बैंड्स का सपोर्ट भी दिया गया है और इसमें LPDDR4X रैम, eMMC 5.1 स्टोरेज टाइप मिलता है। दोस्तों अगर बाकी फीचर्स की बात करूं तो इसमें 6.6 इंच का फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले दिया गया है विद ड्रॉप नॉच, 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें HDR 10 प्लस का सपोर्ट और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी खासी मिल जाएगी। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन दिया गया है विद ग्लॉसी फिनिश। इसमें भी अगेन 12 कैमरास दिए गए हैं। प्राइमरी लेंस 50MP का मिलेगा, साथ में एक AI लेंस दिया गया है। फ्रंट साइड में 8MP की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके रियर कैमरे से 2K 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी आपको बेस्ट मिल जाती है। इस फोन में 5000mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि 18W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। बाकी यहाँ पर 3.5mm जैक और सिंगल स्पीकर दिया गया है। तो ये 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के साथ आता है। फिलहाल इसकी प्राइस है 11,499 11,500 रुपये में डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है Realme की तरफ से, Realme Narzo 50 5G। ये लगभग 15,000 रुपए का स्मार्टफोन है, बट फिलहाल आप इसको 13,000 के नीचे इजीली बाय कर पाओगे और 13,000 में ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन है।
4GB प्लस 64GB बेस वेरियंट से आता है और इसके अंदर अगेन MediaTek Dimensity 810 5G चिपसेट मिलता है जो कि अगेन 6nm पर बना हुआ है। परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस आपको टॉप नॉच मिलेगा। इसमें एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि Realme UI 3.0 पर बेस्ड है। बाकी इसमें LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप भी मिल जाएगा। दोस्तों अगर बाकी फीचर्स की बात करूं तो इसमें 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले दिया गया है विद इनसाइड पंचोल, 90 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। डिस्प्ले क्वालिटी बेस्ट मिल जाती है। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन मिलेगा विद लाइनिंग टेक्चर फिनिश। इसके अलावा डुअल कैमरास मिल जाते हैं। प्राइमरी लेंस 48 मेगापिक्सल का दिया गया है, साथ में 2 का यूजलेस माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 8 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी मिल जाती है। इसके रियर और फ्रंट दोनों ही कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छी खासी मिल जाएगी। इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, 3.5mm जैक, 5GB तक वर्चुअली रैम को भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी प्राइस है 12999, 13000 रुपये में डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। तो फाइनली नेक्स्ट और लास्ट स्मार्टफोन आता है पोको की तरफ से, पोको M4 Pro 5G। इस फोन के मैक्सिमम फीचर्स नार्जो 55G से सिमिलर है। अगर आपको रियलमी का फोन नहीं चाहिए तो इस फोन को चेकआउट कर सकते हो सेम स्पेक्स के साथ। 4GB प्लस 64GB बेस वेरिएंट से आता है। यहाँ पर भी अगेन MediaTek Dimensity 810 मिलता है। इसमें Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है सडनली, जो कि MIUI 12.5 पर बेस्ड है। बट आप बाय करोगे तो Android 12 विद MIUI 13 का अपडेट मिल जाएगा। इसमें दोस्तों LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप भी दिया गया है। अगर बाकी फीचर्स की बात करूं तो इसमें 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल, 90 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। तो डिस्प्ले क्वालिटी बेस्ट मिल जाती है। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन दिया गया है विद ग्लॉसी फिनिश और यहाँ पर भी डुअल कैमरास मिल जाएंगे। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल दिया गया है, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड भी मिलता है। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी मिल जाती है। इसमें फालतू के माइक्रो डेप्थ लेंस नहीं मिलते हैं। रियर और फ्रंट दोनों कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी बेस्ट दी गई है। इस फोन में 5000mAh की बैटरी मिलती है जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। बाकी यहाँ पर 3.5mm जैक, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और रैम एक्सपेंशन का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो ये 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी प्राइस है 12999, 13000 रुपये में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो कैसे ये थे बेस्ट 5G फोन अंडर 13000। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।